किस्मत ने यूं राह पे चौराहों पे क्या एक गुलजार भेजा है, किस्मत ने राह में चाह में क्या गुलजार भेजा है, कोरोना के समय डॉक्टर जैसा भगवान भेजा है। बाप रे बाप, भगवान का आइसक्रीम। मतलब मैंने कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया। हाय विवेक। हाय, कोविड का टाइम है। अरे कोई नहीं, अब तो जो होना था गठबंधन हो ही गया। हाय, अच्छा नमस्ते। देखो इन्होंने दिल से समझा और इन्होंने तुरंत हाथ बढ़ा, हम इंडिया वाले हैं लगता। अरे यार, तो इससे आप कुछ नहीं होगा, आपको आपका कोरोना वायरस नहीं होगा। सही से करिए, सिक्स स्टेप होते हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं कैसे होता है फिर। हाँ बता दो मुझे कैसे होता है। तो क्या आप, हाँ फॉलो करिए ऐसे पाम टू पाम। हाँ फिर, हाँ उसके बाद। अरे बस करिए इतने में तो, इससे क्या होगा, जैसे मैल निकल रही है पूरी हाथ की। हाथ गंदा है। हाथ तो मेरा बहुत गंदा है। नहीं आप बस बस करिए। कैन आई सिट, बैठ सकते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। अरे वैसे मेंटेन तो नहीं कर पाते, लेकिन हम कर ले रहे हैं क्योंकि आप बोल रही हैं इसलिए। कि आप करते क्या हो वैसे? मतलब वैसे क्या करते, वही तो पूछ रहे, क्या करते हो? मतलब सबका ऐसे हाथ धुलाते हैं सैनिटाइजर से? आप डॉक्टर हैं? वो तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं डॉक्टर के, कैसे किस टाइप के? हम लोग जनरल फिजिशियन। अच्छा MBBS कहाँ से किया स्टडी? मैंने कर्नाटका से किया। आपने? अच्छा आउट ऑफ इंडिया। आए हाय, तो इंडिया वाले हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं ये तो बहुत अच्छे, इन्होंने तो सीधा मुझसे हाथ मिला लिया, तो ये तो बहुत अच्छे है, तो मेरे टाइप की हो गई पूरा पूरा। और आपने तो पहले वो किया, डिस्टेंस मेंटेन करवाया। हम तो सीधा हाथ पकड़ते हैं, अगर कोई ज़्यादा करते तो पेट पकड़ लेते हैं। मतलब अगर हम लोग इतने वो होते हैं, टच वाले होते हैं, कि हम लोग सीधा हाथ पकड़ते हैं। जो थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया होते हैं, हाय ब्रो, हाउ आर ब्रो, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे मैं एक IITian हूँ और एक डॉक्टर हूँ, तो लेवल तो हमारा सेम ही सेम है। लेकिन इसमें COVID-19 है, तो फिर इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। एक्चुअल मैं एक शायर भी हूँ, तो मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ आपको। पसंद है आपको? आपको समझ में आएगा तो पसंद आएगा, मतलब समझ वैसे 100%। आप मुझसे ज़्यादा तो आइसक्रीम पे फोकस कर रहे हो। अरे हमें भी तो, हम लोग मतलब हम इम्पोर्टेंट नहीं है बात कर रहे हैं तो। नहीं नहीं करिए ना, शुरू करें। कोई वर्ड आप दीजिए, मैं उम्दा सा हूँ तो किसी भी वर्ड पे बना सकता हूँ। कोई भी वर्ड आपको, आइसक्रीम और कबाब दोनों को फिक्स कर दें। कबाब पे दोनों को फिक्स कर देता हूँ ना। कुछ भी कहिए, कुछ भी कहिए, आसमां की गर्मी से आइसक्रीम की ठंडक होती है। कुछ भी कहिए, आसमां की गर्मी से आइसक्रीम की ठंडक होती है। खाने का स्वाद कबाब होता है, खाने का स्वाद कबाब होता है, और देखने का जो नज़ारा होता है वो ये होता है जो सामने होता है। अच्छा नहीं लगा, मैंने बनाने की कोशिश की, मतलब आइसक्रीम के बाद फर्स्ट आइसक्रीम। कैसी लड़की हो यार तुम तो, सीधा बहुत बड़ी बॉस हैं आप। कोई नहीं, मुझे कोई टिंकर नहीं, मैं दोनों को संभाल सकता हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अच्छा भाई, तो गलत है। गलत है। अब आप जैसे लोगों से अगर मिल के कॉन्फिडेंस मेरा हाई ना हो तो फिर बेकार है मिलना ही। अच्छा मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं ना इसको, फिर एक लाइन और हो जाए मेरे तरफ से, मैं कुछ बोल दूँ आपके लिए। एक जहर होता है, एक जहर होता है, वो बहुत मीठा होता है। एक जहर होता है, एक बहुत मीठा होता है। खाने से आदमी मर जाता है, कभी कभी खाकर आबाद हो जाता है। तो अब यहाँ से सुनिएगा, किस्मत ने यूँ राह पे चौराहों पे क्या एक गुलजार भेजा है, किस्मत ने राह में चाह में क्या गुलजार भेजा है, कोरोना के समय डॉक्टर जैसा भगवान भेजा है। बाप रे बाप, भगवान का आइसक्रीम। मतलब मैंने कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया। गॉड, यार मैंने लाइन बनाने की कोशिश की, मेरी लाइन खूबसूरत नहीं थी। बहुत के बाल का मुझे हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया। नहीं मुझे तो, मेरे तो बहुत छोटे हैं, मेरा तो बनेगा नहीं। लेकिन आपने आपका, मैंने बहुत लड़कियां ताड़ता हूँ, मैं कभी देखता रहता हूँ सीपी में जो भी लड़की। तो कोई नहीं, आप कर सकते हो, लड़कियों के लिए तो सब आज़ाद है, आप जो भी करना चाहें। हम भगत सिंह तो नहीं है, लेकिन हम देखना तो हम भूलते नहीं है, मेरी आँखें जो है बहुत वो है। तो आपका जो हेयर स्टाइल है मेरे को बहुत पसंद आया, इनका भी बहुत प्यार है। जबरदस्ती है। मेरी एक फ्रेंड थी शिवानी, मैं आपको बताऊं, और सेम सिम मिल रहा है दोनों का, इनका और शिवानी का सेम वैसा लग रहा है एकदम, दोनों मैच हो रहे हैं। और आपका जो भी नाम हो, मुझे नाम नहीं पता क्योंकि आपने बताया नहीं, चलिए बता दीजिए एक बार नाम हो।
क्या नाम है? अफसा। अफसा, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा ऐसा लगता है। चलिए प्रिंसेस बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, राजकुमारी। पुराना हो गया कुछ, अच्छा नहीं लगा। प्रिंसेस अच्छा नहीं है यार। अच्छा बताइए, मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ, तो बताइए तो आज मैं दिखा दूँ आप लोगों को। अच्छा ठीक है, अगर मेरे को कॉल कर, डॉक्टर हो यार फिर आप, वर्ल्ड में सिर्फ मैं कह सकता हूँ, गूगल के सीओ सुंदर पे चाय भी नहीं कर सकता। अभी तो माता जी नहीं है। अच्छा रुकिए, मैं देखता हूँ होगा तो मैं दे दूँगा। पता है वो क्या, मैं एक ऐसा हैकर हूँ, मैं किसी का भी मोबाइल फोन या लैपटॉप हैक कर सकता हूँ। लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, ऑन हुआ है बट पासवर्ड चाहिए, मैं पासवर्ड भूल गया। मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, है आपके पास? बिना उसमें कुछ भी मैं कर दूंगा, कुछ भी अगर आपके पास हो तो मैं भी कर दूंगा। उसको फॉर्मेट नहीं कर रहा मेरे पास, कल की मैं सारी मैं सब कुछ रिकवर कर सकता हूँ। आप लॉ तुरंत कर दूँ, दो सेकंड लगेगा बस, लेकिन उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा मुझे। अरे मतलब मैंने कुछ बोला तो आपने गलत सोच लिया, पहले आप पूछो तो क्या हो सकता है। पता नहीं आपने क्या सोचा, इसीलिए आपने बोला छोड़ो, मुझे आपके साथ एक कॉफ़ी पीनी पड़ेगी बस, मैं आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा एक कॉफ़ी के लिए। आइसक्रीम खा लेंगे साथ में ना, वैसे कुछ भी कहिए, ठंडी के सीज़न में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। कभी आप मौसम अच्छा कुछ भी कहिए, मौसम में रंगत हो, सावन की हरियाली के साथ लोग ऐसे हों तो दिन और आसमां दोनों एक जैसे होते हैं, ना सूरज की गर्मी का पता चलता है ना रात की ठंडक का। तो चलते हैं कभी अगर आप कर... नहीं मैंने तो सबको पार कर लिया है, लेकिन आप जैसे लोगों को देखकर थोड़ा थोड़ा रुक जाता हूँ कभी कभी। कुछ लोग ऐसी सुंदरता लाते कहाँ से? क्या क्या ये जो आपकी ब्यूटी होती है ये नेचुरल होती है या कहीं से एक्सपोर्ट होती है? मेरी मम्मा बहुत सुंदर है, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। मैं वीडियोस नहीं देखता बिल्कुल। मैं बाइक का जानना चाहते थे कि हम लोग इतने सुंदर क्यों हैं, हमें इसका रूप ऐसे वो होता ना वायरल होता था वीडियो। मुझे आपके साथ एक कॉफी पीनी थी, कोई चांस है? जस्ट अ कॉफी, बट टाइम नहीं है। एक कॉफी की तो बात है, वी हैव टू गो बैक टू ड्यूटी। आई नो, मुझे पता है आप बहुत बिजी हो गए, उस बिजी शेड्यूल में कभी दो मिनट का वक्त निकाल लीजिए। दोनों की ड्यूटी सुबह 3 बजे। कहाँ ड्यूटी है? हमें ये भी तो बता दीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा ना। ड्यूटी ओके, करने से फुर्सत नहीं मिलती, जिंदगी जीने से अवसर नहीं मिलती, यूँ रुखसत होकर एक जगह फंस जाना ये कोई पागलपन नहीं होता, चाह कर भी कहीं रुक जाना ये कोई पागलपन नहीं होता, वक्त को थाम कर यूँ आबाद कर दो। पंछी हो यार, उड़ने का तरीका सीखो, सबको छोड़ो। हम कबाबे सीख हैं जो हर करवटे बदलते हैं, वाह वाह। करवटे लेकर के पहलू बदलना सिक्के का खोटा फन होता है, करवटे लेकर पहलू बदलना सिक्के का खट्टापन होता है या कट्टापन होता है, जो देखने से फितरत नहीं बदलती, जो ख्वाबों का नफरत से कुछ चाहत नहीं बदलती। वाओ मैन कहने से यूँ तकलीफ नहीं होती, वाओ मैन कहने से यूँ तकलीफ नहीं होती, ड्यूटी जाने से मेरी हसरत पूरी नहीं होती, चल लीजिए दो कदम का रास्ता है, यूँ मेरी तकदीर यूँ खाली नहीं होती। एक्चुअली दो कदम नहीं दो ब्लॉक जाने की हसरत सी हो गई, हम दोनों के जाने से हम दोनों के जाने से आपका सिलसिला रुक नहीं जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मंजिल यही है ना, तो सोचने के लिए आपसे फुर्सत तो नहीं ली, मुझे वक्त तो नहीं पूछना पड़ेगा, सोच तो आदमी कुछ भी सकता है ना। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि मेरी कॉफ़ी पूरी होगी या अधूरी होगी। रखती हैं क्या इन सब चीज़ों का? एक कोई लाइन आप सुना दीजिए, विवेक नाम है मेरा, कुछ भी सुना दीजिए, मेरा दिल कर रहा है। क्या सुनना है? कुछ भी सुना दीजिए, पहले आप एक लाइन सुना दीजिए, कोई भी, विवेक नाम है मेरा, कुछ भी बना दीजिए विवेक पे। विवेक पे विवेकलेस, माइंडलेस बोल दो, मंद बुद्धि वाला, बट मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ। ऐसी नहीं ऐसा बात सड़ी, पता है आपने एक अभी बोला सड़ी हुई चीज़, पता है जो कमल होता है वो कचड़े में ही खिलता, सड़ी हुई चीज़ में खिलता है, लेकिन वो देश की शोभा को प्रतिपादित करता है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, उसका भी एक क्लास होता है। तो कुछ एक लाइन बोल दीजिए, मेरी हसरत है कि आप बोल दो, तकल्लुफ़ कर दीजिए कुछ अगर हो तो दिल में, विवेक कुछ भी सुना सकती हैं आप, सोच को समझ में नहीं आई, मुझे समझ में आएगा। लड़कियों की कोई भी भाषा हो मैं सारी समझता हूँ, फ्रेंच, रशियन, सैन ऑल, दिल की भाषा, दिमाग की भाषा,
कोई चप्पल दिखी से पे चप्पल पे जपाई थी ये पे मेरे पापा को तो बात कर दी पे चप्पल दिखे के ऊपर की हे भगवान मुझे व्हाट रहा है कि आप मुझे भाव दे रही हैं इसी लाइन को मुझे समझ भी नहीं आया क्या बोला आपने कि आप बहुत अच्छे हो मैं आपको मतलब ऐसा कुछ बोला आपने आपने बोला कि लड़कियों की कोई भी भाषा कुछ भी समझ जाती मुझे पता चला मैंने फील कर लिया जरूरत क्या है शब्दों में जाने का जब मामला दिल का हो तो हम शब्दों पर भरोसा ही नहीं करते दिल से लाइन निकलती है एक लाइन कुछ ऐसी बोली जो हमें भी समझ में आए और इनको भी समझ में आए बात तो हमने ये तो देखो सिंगर है सुनिए हाँ तो समझा देगी सुनिए ये तो सिंगर है ये तो आगे तो सिंगर है ये तो सिर्फ गाने गा सकती है नहीं 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 डोंट अंडरस्टेट हर ये मरते भी कुछ जला सकती है हाय हाय मुझे भी जिला दीजिए मैं बहुत दिन से सूख गया हूँ मैं मरना नहीं चाहता अभी मैं जीना चाहता हूँ आप छोड़ दोगे कहीं और पकड़ लूँगा उसकी दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ एक चीज़ है वैसे अभी लोग मुझे जानते नहीं मैं फेमस बहुत मैं बहुत फेमस हूँ आप जान लीजिए अच्छा आप मुझे जानती हो जान कर अनजान बनना ये खुद की फितरत है या कहीं से सीखा है खुद की है ओरिजिनल ओरिजिनल है कुछ मेरी भी कॉपी कर लीजिए आपके काम आ जाएगी ऐसा मत बोलिए तकलीफ होती है जब शाम उतरती है वाह वाह तो मैं खाने के पास चले जाते हैं जो कि हाँ फिर आप कंप्लीट कर नहीं नहीं कमाए कमाए मैं मस्ती कर रहा था थोड़ा सा एक भाव दे रहा था हाँ जब शाम उतरती है क्या दिल पे गुजरती है वाह वाह यहीं पे हाँ फिर साहिल ने बहुत पूछा खामोश रहा पानी